नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने आप को फिट रखें। अरे शरीर के अंदर कई तकलीफें आती है, कहीं जाती है। एक तो इस प्रकार की होती है, कई है जो अपना घर बना लेती है, जाने का नाम नहीं लेती, और कई इतने जिद्दी होती है कि रोगी को लेके जाएंगे हम। इस तरह इस शरीर को ये तकलीफें होती है। अब ईश्वर ने आदमी को या प्राणी को कैसे भी समझ लो, इस संसार में भेजने से पहले उनको मालूम है कि इनको कोई ना कोई तकलीफ होगी, तो उसका इंतजाम पहले किया है और आदमी की उत्पत्ति बाद में की है। तो वनस्पतियों के रूप के अंदर इंतजाम किया, अभी भी इतनी वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो अज्ञात है, हजारों लाखों है जो अज्ञात है। धीरे धीरे कोई न कोई उजागर होती है, आयुर्वेद में ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि कोई चिकित्सक या वैद्य वो नहीं कह सकता कि आयुर्वेद में कुल कितनी दवाइयां हैं, लेकिन होम्योपैथिक में कह सकते हैं कि 500 दवाई है या 600 दवाई है या 700 दवाई, वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड है। क्योंकि होम्योपैथिक का सिद्धांत या जन्म आयुर्वेद के बाद में हुआ, और वो सब के सब मैन मेड है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई हुई है। तो इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज है तो उसका रिकॉर्ड है कि इतनी है। आयुर्वेद के अंदर मैन मेड दवा है ही नहीं, भगवान मेड दवा है, ईश्वर मेड दवा है, अल्लाह मेड दवा है, इसलिए वो लाखों की तादाद में हैं। अरे आप और हम यहाँ अपने आसपास की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको काम में लेते हैं, और
हर 100 कोस के बाद में जो शहर गांव आते हैं वहाँ के लोग के हमारे यहाँ जड़ी बूटी ये होती है वो उनको काम में लेते हैं जो नवीन होती है। इस तरह आयुर्वेद इतना विशाल फैला हुआ है जिसका कोई अंदाज नहीं। लाखों करोड़ों दवाइयाँ अफ्रीका के जंगलों में होती है, अमेजन नदी के किनारे होती है, और हर देश के अंदर अलग होती है। जापान में अलग होती है, कोरिया में अलग होती है, और वो लोग उनको अलग नामों से पुकारते हैं और उनका नामकरण वो और देते हैं, जबकि वो है प्योर आयुर्वेद ही। तो आयुर्वेद की संख्या को नहीं बता सकते। आयुर्वेद का मैं आपको एक मामूली उदाहरण देता हूँ। मेरा वीडियो ज़रूर बड़ा बनता है लेकिन इसमें हर बात ज्ञानवर्धक होती है और सत्य होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार पतले दस्त होने लग गए, कोई खान पीन की गड़बड़ से या और कोई गड़बड़ से, तो अब घर के अंदर कोई दवा नहीं। न होम्योपैथिक दवा न आयुर्वेदिक दवा न कोई लाने वाला। अब करे तो क्या करे आदमी। तो सोचने पे मालूम हुआ कि ये चीज़ काम करेगी, तो एक कप पानी गरम किया। पानी हर घर में मिलता है, और चीनी मिट्टी का कप भर लिया जैसे चाय का बनाते हैं अपन, एकदम गरम। फ्रिज में से नींबू निकाला, उसमें निचोड़ दिया, पूरा का पूरा निचोड़ दिया, और धीरे धीरे चाय की चुस्की की तरह एक एक घूंट 15 मिनट के अंदर उसको समाप्त किया। अब उसके जो फायदे हुए वो हम बताते हैं कि लूज मौसम वाले के 2-3 दफ़े जाने के बाद वीकनेस आती है तो गले के अंदर खुश्की पैदा होती है। शरीर के अंदर एक तरह की बेचैनी सी होती है कि फिर नहीं आ जाए। अब सबके घरों में तो पक्के ये होते नहीं हैं टॉयलेट, और टॉयलेट होते हैं तो भी रोग का जो प्रभाव होता है वो 5 कदम जाते ही आपके अंडरवेयर में पानी साफ निकल जाता है, अनपचा, फिर उसे बदलना पड़ता है। तो ये नींबू का रस कप में डाल के पीने से जो दस्तें हर आधे घंटे में आ रही है वो गैप देगी
और 2-3 घंटे में आएगी, फिर 1.5 घंटे बाद में 1 कप और पी लें तो दस्तें बंद हो जाती हैं। अब होम्योपैथिक की बात पे आओ तो अधिकतर जो दस्तों का होता है तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स एलोसोक्रोटिना का होता है। तो एलोसोक्रोटिना का जो खास लक्षण है कि आदमी की वायु निकलने को होती है और वायु के साथ ही मल निकलने का भय या निकल जाता है, तो एलो कोई पोटेंसी में ले लो कोई काम नहीं करता, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन लिखा हुआ है एलो का ये लक्षण, काम नहीं करता, लेकिन नींबू पानी काम करेगा। इसबगोल आपके घर में पड़ा है, ठंडे पानी से 2-3 फक्के लगाएंगे वो काम करेगी। तो होम्योपैथिक जो है चिकित्सा, तत्कालिक चिकित्सा में इसको नहीं कह सकता, क्योंकि आम आदमी अपने घर के अंदर कितने दवाई रखेगा। और लूज मौसम होने के बाद घबराहट बेचैनी होती है, तो उसके लिए आर्सेनिक L30 चाहिए। अब कहाँ से लाएगा वो आर्सेनिक L30? बाजार खुलेगा जब लाएगा तो वाली वो गालिब की गजल है, खाके हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सरे होने तक। करे तेरी ये जुल्फे हैं, ये खुलेगी जब तक तो मैं मर ही जाऊंगा, इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो ऐसे मामलात के अंदर एलोपैथिक के अंदर जो गोलियां आती है वो काम करती है, लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जो जीवन का अनुभव है उस अनुभव के अंदर सर्वप्रथम आयुर्वेद ही आता है। किसी भी बीमारी पर ले लो आयुर्वेद आता है, और होम्योपैथिक भी आती है, लेकिन होम्योपैथिक जटिल बहुत है। आयुर्वेद के अंदर हर दवा अपना महत्व रखती है। अब एक दस्त के लक्षण के ऊपर जलापा भी लिख दिया, क्रोटन टिग्लियम भी लिख दिया बंद करने के लिए, ये केमोमेला भी लिख दिया, वो लिख दिया, को 50 लिख देते हैं तो आदमी चक्कर खा जाता है कि मेरे दस्त कौन सी दवा के हैं, उन लक्षणों में उलझ जाता है। और आयुर्वेद के अंदर ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आप काली चाय बना करके नींबू का रस निचोड़ के पी लीजिए, आपका दस्त बंद हो जाएगा। और
जीरा सबके घर में मिलता है, एक भाग जीरा का, एक भाग सौंफ का और एक भाग अजवाइन का। तीनों को बराबर लेकर के अलग अलग सेक लें। ये नहीं कि आप जला दें, बस थोड़ी सी काई कर लें उनकी, फिर तीनों को मिला के और ग्राइंडर के अंदर पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद में आप उसमें लिख दें तो आपको आधा चम्मच सुबह पानी से, आधा चम्मच रात को पानी से, इसे आप लें, महीना दो महीना लें तो आपके शरीर की कई बीमारियां ठीक होगी, कई बीमारियां। अगर आप यकीन करते हैं तो वो कैसे होगी वो हम बताते हैं। जीरा जो होता है, जीरे के अंदर इतने गुण होते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। सौंफ आपके पेट को चिल्ड करेगा, चिल्ड ठंडा करेगा, आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है उसको ख़त्म करेगा। अजवाइन आपके शरीर के अंदर जहाँ भी दर्द है उसको हटाएगी और एक रक्षा कवच की तरह अजवाइन होती है। तो इस प्रकार ये तीनों अपना काम करती है और ये घर के अंदर ही मिलती है। अब मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि नंबर वन पे आयुर्वेद है, नंबर दो पे होम्योपैथिक है और यूनानी नंबर तीन पे ही आएगी। इस तरह से अब कई बीमारियां जो है वो होम्योपैथिक से ही ठीक होती है, ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक में कुछ नहीं, और कई बीमारियां आयुर्वेदिक से ठीक होती है, कुछ बीमारियां यूनानी चिकित्सा भी कारगर होती है। तो तीनों से ही वास्ता पड़ता है अपना। तो इनमें से किसी को नाराज करना ठीक नहीं। आयुर्वेद के अंदर आज मैं आपको ये 16 मिनट मेरे को समझाने में लगे हैं, आज मैं आपको सेमल जो होता है उसकी जानकारी दूंगा कि सेमल का पेड़ कितना गुणकारी होता है। एक कहावत है कि सुवो देख फूल सेमल को, मन ही मन ललचायो तोता, मारी चोंच बिखर गई रुइया, सिर धुन धुनी पछतायो। तो इतना खूबसूरत देखे वो देखता है मेरे बाप का ही है, और जैसे ही चोंच की मारता है तो ऐसे उन्हें उसमें से जो रुई होती है वो उड़ जाती है। तो शैमल की जो छाल होती है तो उसके जो गुण हैं वो कसेली होती है, कफ का नाश करने वाली होती है,
शीतल होती है, कड़वी होती है, भारी होती है, थोड़ी वातकारक भी होती है और मलरोधक होती है। रुख आता था कफ पित्त और रक्त विकार को शांत करने वाला सेमल होता है। फल के गुण फूल ही के समान होते हैं। सेमल के नए पौधे की जड़ को सेमल का मूसला कहा गया है। सेमल के पौधे की जड़ को सेमल का मूसला कहा गया है और ये मूसला जो है ये आपको मूसला ही बना देगा। आयुर्वेदिक सेक्स के कोई भी नुस्खा हो, सेमल का मूसला तो डलेगा ही डलेगा। जैसे सब्जी में नमक जरूरी होता है, इसी तरह सेमल का मूसला जरूरी होता है। ये सेमल का मूसला बहुत ही पुष्टिकारक होता है, कामोद्दीपक होता है, काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और नपुंसकता को दूर करने वाला होता है। और क्या चाहिए आपको हा? आगे बताता हूँ मैं आपको कि पहले मैं आपको सेमल के फूलों को दिखाता हूँ। इस तरह से सेमल के फूल होते हैं और सेमल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इस औषधि युक्त पेड़ का अलग अलग स्वरूप है। उपयोग में पेचिस, गिल्टी, ट्यूमर, कब्ज, कमर का दर्द, दूध बढ़ाने और खांसी आदि के निवारण में इसका प्रयोग होता है। सेमल के पेड़ को साइलेंट डॉक्टर कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इसके फूल, फल, छाल आदि कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर होते हैं। सेमल महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। इसके पत्ते रक्त शोधन या बेहतर होते हैं, जबकि जड़ को ल्यूकोरिया की बेहतर औषधि माना गया है। देहरादून के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर एम के जैन बताते हैं कि आयुर्वेद में सेमल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इस औषधि युक्त पेड़ का अलग अलग स्वरूप में उपयोग किया जाता है। पेचिस, गिल्टी, ट्यूमर, कब्ज, कमर दर्द, खांसी आदि के अंदर इसका प्रयोग होता है। सेमल वृक्षी छाल को पीस कर लेप लगाने से शरीर पर बने गहरे जख्म भी भर जाते हैं। सेमल की पत्तियों के डंठल का काढ़ा बनाकर 2 चम्मच पीने से अतिसार, दस्त में आराम मिलता है। सेमल की छाल की पत्तियों को घिसकर कील मुहासों पर लगाने से गायब हो जाते हैं। सेमल पेचिस होने पर सेमल के फूलों के ऊपरी छिलकों को रात के वक़्त भिगोकर सुबह मिश्री में मिलाकर पीस कर पीना चाहिए। इससे काफ़ी राहत मिलती है। सेमल के ताज़ा फल को देसी घी या सेंधा नमक के साथ सब्जी बनाकर खाने से महिलाओं में होने वाला रोग ल्यूकोरिया की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। शरीर में कहीं सूजन या गांठ बनने पर सेमल के पत्तों को पीसकर उसका मरहम लगाने से फायदा मिलता है।
ये सेमल जो है बड़ी काम की चीज़ है। वैसे तो सेमल के पेड़ अपने आप ही जंगलों में जगह जगह उग जाते हैं, लेकिन इन्हें नदियों के आसपास आसानी से देखा जा सकता है। अधिक तापमान वाले इलाकों में सेमल का पौधा लगाया जाता है। अप्रैल में इस पर फूल खिलते हैं। इसके बाद जो फल लगता है वह केले के आकार का होता है। सेमल का पौधा लगाने के लिए करीब 2 फीट का खड्डा खोदें और उसमें गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर भरें, फिर इसका पौधा लगा के पानी हल्का हल्का छिड़काव करें तो शुरुआत के 2 हफ्ते तक नियमित सिंचाई करें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सेमल अपने आप पैदा होता है और उन लोगों के आय का जरिया बन गया है। ग्रामीण सेमल से एक सीजन में 30 से 40 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं। सेमल की सब्जी व अचार बनाया जाता है, जिस कारण ये बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। आयुर्वेदिक औषधि निर्माता इसे खरीदते हैं। अब मैं आपको सेमल की जड़ी या सेमल का मूसला, यही खास है। सेमल की जड़ के पाउडर का सेवन करने से आपको अपच, गैस, कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर डायरिया की समस्या है तो इससे भी सेमल की जड़ प्रभावी साबित हो सकती है। लेकिन अगर अल्सर, हर्निया जैसा गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से राय करके सेमल के पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। सेमल की जड़ का उपयोग कई तरह की समस्याओं को इलाज करने के लिए किया जाता है, जैसे आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियाँ हैं जिनका उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। सेमल एक ऐसा पेड़ है जिसे आयुर्वेद में काफ़ी अहम माना गया है। सेमल के पेड़ में मौजूद औषधीय गुण इन बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। सेमल के फूल, पत्ते, छाल और जड़ सभी का आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। मैं आपको सेमल के कुल फायदों के बारे में बता चुका हूँ और कुछ जो है उनको अभी बताऊँगा। सेमल के जड़ के अंदर कई तत्व पाए जाते हैं। सेमल के जड़ का उपयोग पेट से लेकर के त्वचा तक की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास सेमल का पेड़ है तो आप वहाँ से इसकी जड़ ला सकते हैं। सेमल आजकल आयुर्वेदिक दुकानों में खूब मिलता है। आप चाहें तो ऑनलाइन इसका लाभ उठा सकते हैं। देखो, सेमल का जड़ का इसको पुरानी भाषा में सेमल का मूसला कहा गया है, जबकि सेमल की वो जड़ी ही होती है। तो आपको
देखो कुछ रुपए ज़्यादा लगते हैं, कोई चिंता ना करो। आप ऑनलाइन सेमल का मूसला का पाउडर मंगा सकते हैं। अब तो बहुत सुविधा हो गई, पहले भटकना पड़ता था कि ये कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। सेमल के जड़ों के फायदे राम हंस चैरिटेबल हॉस्पिटल सिरसा के आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रेय शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक तो स्किन के ऊपर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सेमल के जड़ का उपयोग त्वचा से संबंधी इलाज करने के लिए किया जाता है, इसलिए आप सेमल की जड़ का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। आपको त्वचा पर मुहासे, दाग, धब्बे, चकत्ते सेमल की जड़ के पाउडर का सेवन कर सकते हैं या फिर इसे प्रभावित स्थानों पर लगा सकते हैं। दोनों ही तरह से आपको लाभ मिल सकता है। और रोज़ाना सेमल से जल का उपयोग करने से आपकी त्वचा निखार आएगी, साथ ही त्वचा की चमक भी बढ़ेगी। दूसरा फायदा बताया उन्होंने, सेमल की जड़ दर्द निवारक यानी कि पेन किलर का भी कार्य कर सकती है। अगर आपको शरीर में दर्द रहता है तो आप सेमल की जड़ के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से पानी के साथ सेमल का जड़ का पाउडर मिलाकर लेने से आपको दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। लेकिन अगर आपको किसी गंभीर बीमारी की वजह से दर्द है तो आपको इसकी जड़ का प्रयोग करने के पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। पेट की बीमारियों में सेमल के जड़ पेट की बीमारियों को ठीक करने में भी काफ़ी असरदार हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से सेमल की जड़ का प्रयोग करेंगे तो आपको पेट से संबंधित समस्याओं में काफ़ी आराम मिलेगा। सेमल की जड़ के पाउडर का सेवन करने से आपको अपच, गैस, कब्ज की शिकायत ये ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर डायरिया की समस्या है तो इसमें सेमल की जड़ बहुत काम आती है। लेकिन अगर अल्सर, हर्निया जैसी गंभीर बीमारियां हैं तो डॉक्टर की राय से सेमल की जड़ का पाउडर का सेवन बिल्कुल न करें। इन बीमारियों में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही सेमल का प्रयोग करें। रक्त स्राव को रोकने में भी सेमल की जड़ का उपयोग किया जाता है। यदि आपको रक्त स्राव से जुड़ी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह पर सेमल की जड़ के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं फोटो बढ़ा करके आपको इसका पाउडर का फोटो दिखाता हूँ। ये इस तरह का कैसे, यह भूरे रंग का पाउडर बनता है। सेमल की जड़ का सेवन कैसे करें? सेमल की जड़ का सेवन करने के लिए सबसे पहले आप इसका पाउडर बनाएं। आप इसके पाउडर सेमल की जड़ नहीं है, अगर आपके पास सेमल की जड़ नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको।
ऑनलाइन के अंदर देखो पैसा 2 रुपया ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ आपको सही मिलती है। ऑनलाइन आप मंगा लें या अच्छा पंसारी हो तो उससे लें। इसे पाउडर में बना के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं तो काफ़ी लाभ मिलेगा। किस में? डायरिया में। लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर को पूछ के इसका प्रयोग करें। अब मैं आपको सेमल, एक तरह का पेड़ है जो मालवेसी परिवार से संबंध रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स सेवीबा है। सेमल के पेड़ को मालाबार कार्टन ट्री, रेड सिल्क क्राटन और रेड क्राटन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। सेमल की पत्तियां 6 से 7 के समूह में होती है और इस पेड़ पर लाल रंग के फूल खिलते हैं। इनके फूलों में ही फल भी लगते हैं जो शुरुआत में हरे और समय बीतने पर भूरे या काले होने लगते हैं। सेमल के इन सभी हिस्सों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ सेमल के औषधीय गुण। सेमल औषधीय गुणों का भंडार है। इसमें फेनोलिक कंपाउंड, त्वचा को एजिंग से बचाने वाली एंटी एजिंग क्षमता और शरीर को ठंडा करने वाला कूलिंग प्रभाव होता है। साथ ही सेमल में एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, एंटी HIV और एंटी ऑक्सीडेंट गतिविधि पाई जाती है। इसके अलावा सेमल में मौजूद गुण कुछ इस तरह के होते हैं। सेमल में एस्ट्रीजेंट कंपाउंड होता है जिससे त्वचा में कसावट आती है। शरीर की गतिविधियों को बढ़ाने वाला स्टिमुलेंट गुण होता है। ड्यूरेटिक यानी कि मूत्रवर्धक प्रभाव होता है। सेमल में कामो उत्तेजना को बढ़ाने वाला एफ्रेडीजिएक गुण होता है। ये काले अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा है, यानी कि ये गुण इसका खास है, कामो उत्तेजना को बढ़ाने का। कई लोगों की इच्छाई मारी जाती है, अरे यार जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, नहीं करें नहीं करें नहीं करें, उनकी इच्छा ख़त्म हो जाती है। सूजन कम करने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी इसमें गुण होता है। एनाल्जेसिक प्रभाव जिसके दर्द कम होता है। रक्तचाप को कम की हाइपोटेंशन क्षमता होती है। अगर शुगर नियंत्रित करने वाली हाइपोग्लाइसेमिक गतिविधि से युक्त अब जान लेते हैं सेमल के पेड़ के फायदे किस तरह से हो सकते हैं। सेमल के कई प्रकार के गुण होते हैं जो इसे सेहत के लिए अच्छा बनाते हैं। सेमल के फायदे, एक तो ल्यूकोरिया, इससे बहन बेटियों को ठीक होता है। सेमल की जड़ को भी ल्यूकोरिया के अंदर दिया जाता है, इसके पाउडर को। इसे फंगस को बढ़ाने से रोकने वाला भी माना गया है। इस वजह से सेमल का
वेजाइनल डिस्चार्ज राहत दिलाने के लिए किया जाता है, यानी कि बहन बेटियों के ये ल्यूकोरिया से लेकर और कई समस्याएं जो होती है। खून साफ करने के लिए सेमल का पेड़। हाँ, तो खून साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए सेमल का पेड़ लाभदायक है। एक मेडिकल रिसर्च की माने तो सेमल की पत्तियों को पुराने समय से ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी खून साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही सेमल के फल से भी रक्त को साफ करने की क्षमता होती है। मासिक धर्म के अंदर ये बहुत कामयाब चीज है, मासिक धर्म। हाँ, मासिक धर्म को ठीक करने के लिए सेमल के फूल देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन से सेमल की जड़ में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता होती है। इस प्रभाव के कारण सेमल को मासिक धर्म के दौरान होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। सेमल की जड़ मर्दों को भी काम करती है और स्त्रियों को भी काम करती है। साथ ही मासिक धर्म को नियमित करने के लिए अन्य विकार भी दूर होते हैं। इससे यूरिनरी डिसऑर्डर के लिए, यूरिनरी डिसऑर्डर मूत्राशय से जुड़ी समस्या होती है, इसे ठीक करने के लिए सेमल का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च में इस बात की पुष्टि भी होती है। शोध में कहा गया कि ये यूरिनरी अंगों के मेम्ब्रेन यानी कि दो सेल्स के बीच की झिल्ली पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार इसका सकारात्मक असर यूरिनरी संबंधी समस्या पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर पब्लिश एंड रिसर्च पेपर के अनुसार सेमल के उपयोग से यूरोलिथियासिस मूत्राशय की पथरी के खिलाफ प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। इस कारण सेमल मूत्राशय की पथरी से बचाव कर सकता है। अगला इसका फायदा, ब्रेस्ट से मिल्क का उत्पादन। सेमल के जड़ के फायदे ब्रेस्ट से मिल्क में सुधार करने के लिए हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक शोध के माने तो सेमल की जड़ की छाल के पाउडर का नियमित सेवन करने से ब्रेस्ट से मिल्क में सुधार हो सकता है। साथ ही सेमल की जड़ को धोकर पाउडर बनाने के बाद दूध में मिलाकर पीने से ब्रेस्ट से मिल्क का उत्पादन बढ़ता है। इसमें मौजूद गतिविधि और गुण स्पष्ट नहीं है, जिससे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। खांसी से राहत, जो खांसी से जूझते हैं उन लोगों के लिए सेमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल सेमल में एंटी माइक्रोबियल प्रभाव होता है, जो कई समस्याओं के लक्षण को कम करने के लिए दिया जा सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि खांसी से राहत दिलाने के लिए सेमल का मूसला के फायदे हो जाते हैं। त्वचा के लिए सेमल के फूल के फायदे में त्वचा संबंधी समस्याओं के बचाव शामिल है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सेमल एंटी एजिंग क्षमता होती है, जो उम्र बढ़ने के कारण दिखने वाली झुर्रियों को कम करता है। और सेमल की पत्तियों और छाल में एंटी एक्ने समस्या होती है, जो मुहासों को ठीक करती है। साथ ही इसमें माइक्रोबियल प्रभाव होता है, जो कोई भी चिकन
पाक से जैसी समस्या संबंधी आदमी को कम कर सकता है। रिसर्च में कहा गया कि सेमल की जड़ से बनने पेस्ट को मुहासे, त्वचा के दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन, एक मिनट देखिए मेरे को इसका दूसरा भाग देना है। चाय आ गई है, मैं चाय पी लूँ, आप भी पी लेना। भाग दूसरा जरूर देखें, उसमें बहुत काम की चीज़ है।